उस वक्त मैंने यही पूछा था कि ये कलाकार आप लाए कहाँ से। आपसे पूछना चाहूँगा कि इन कलाकारों के साथ गायकी पर काम करना आसान रहा या कठिन रहा? बहुत कठिन रहा। आइए, कम से कम मुझे 20-25 दिन लगे मेहतरवील और गोगला चोरला को तैयार करने में। उसके बाद उनको ये समझ में आया कि ये भी कोई गायकी है, उनको ये नहीं पता था कि ये नौटंकी शैली है क्या। मुझे तो जो तैयारी कराई मैंने तब उनको धीरे धीरे समझने लगे। समझने के बाद ये बने, क्योंकि मेहनत जब कराओगे तो होती है, ऐसी बात नहीं है। सारे नए बच्चे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत मेहनत की है लोगों ने मेरे साथ मिल के काम किया। आपको लगता है कि आज का जो यूथ है जो नाटक जब थिएटर पर आता है तो पहला कदम रखते ही लड़का ये सोचता है कि कहीं ऐश्वर्या दिख जाए और लड़की ये सोचती है कहीं शाहरुख दिख जाए, इस उम्मीद को लेकर आते हैं और सिनेमा के पर्दे पर जाना चाहते हैं। तो आज का यूथ जो नौटंकी की शैली है जो राजस्थान में बस दो एक जगह पर है, आप क्योंकि पेठा और दालमोट के नगर से हैं आगरा से, तो वहाँ पर नौटंकी चलती है यूथ में, यहाँ थोड़ी कम है। तो आज की यूथ नौटंकी सीखना चाहता है, लगा आपको नाटक के निर्देशन द्वारा? बिल्कुल, राजस्थान में धौलपुर है, भरतपुर है, महुआ बयाना और आपका ये करौली है, यहाँ नौटंकी है, यही शैली है, लेकिन इतनी प्रचलित नहीं है क्योंकि यूथ नहीं जानता कि यहाँ पर नौटंकी भी होती है। अगर वहाँ का कोई रहने वाला है, जैसे मैं आगरा हूँ, मथुरा हूँ, तो मैंने बचपन से सीखा, बचपन से गाया है, तो ऐसा नहीं है। अगर काम कराने वाला अच्छा है तो क्यों नहीं जाने दिए, उनको लग गया कि नौटंकी शैली की कोई चीज़। मुद्रा राक्षसी का नाटक था और काफ़ी दिलचस्प नाटक की थी, मतलब पूरा सभी लोगों ने बहुत मेहनत से तैयारी करी, बहुत अच्छा गाया भी। तो क्या आपने इस नाटक में नया ऐसा किया कि नौटंकी शैली इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा नया गाया? मैंने बेहतरवी को दो तीन तरह से गवाया है इसमें, ऊपर से जैसे आते हैं ना लगा करके। चौबोला को दो तरह से गवाया, दोहा मैंने दो तरह से गवाए हैं, और सबसे बड़ी बात कि मैंने कवाली का, गजल का, गीतों का और फिल्मी गानों का यूज़ किया है, जो नौटंकी में बहुत सालों से, वर्षों से होता है, 400-500 वर्षों से होता है।